नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं और इन बातों को आपको जिम जाने से पहले ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इनको केवल आपको ध्यान में नहीं रखना होगा बल्कि इन बातों पर आपको अमल करना होगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आप काफी लंबे समय तक के जिम जा सकते हो और एक अच्छी बॉडी बना सकते हो। ठीक है, तो मैं आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरी इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि जो आज मैं आपको यहां पर ये बातें बताने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर पॉइंट टू पॉइंट करके ये बातें बताने जा रहा हूं, इन्हें आप अच्छे से सुनिए और अपने दिमाग में बैठाइए। तो सबसे पहले जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि आप जब भी जिम जाएं, ठीक है, आप जब भी जिम जाएं तो उस समय आप कोशिश ये करें कि आप पैदल जिम जाएं। जी हाँ, अगर मान लीजिए आपका जो जिम है वो आपके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे है या मान लीजिए 1.5 किलोमीटर की दूरी पे, तो आप कोशिश ये करें कि आप जिम पैदल जाएं। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ इसके बारे में बता देता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अगर मान लीजिए आपका जिम जाने का जो समय है वो मॉर्निंग का समय है, ठीक है, अगर मान लीजिए आप रात में सो करके जब सुबह उठते हैं तो उस समय आपकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में होती है। अगर आप उस समय डायरेक्ट मान लीजिए उठते हैं और जा करके जिम में अगर मान लीजिए वेट वगैरह उठा लेते हैं तो इससे आपके शरीर में इंजरी हो सकती है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप बिल्कुल भी ये गलती ना करें। अगर मान लीजिए आपका जिम जो है 1.5 किलोमीटर पे, तो उस समय आप पैदल जाइए। इससे होगा क्या कि आपका जो शरीर है वो वर्किंग में आ जाएगा, थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, जिससे कि जब आप जिम में जा करके जब आप मान लीजिए एक्सरसाइज करेंगे तो आपका आसानी से आप वो वेट वगैरह उठा सकेंगे। यानी कि सरल भाषा में मैं कहूँ तो आप अगर जब पैदल जाते हो तो आपका जो शरीर होता है वो वार्म अप हो जाता है, जिससे कि आपको जिम में जा करके वार्म अप नहीं करना पड़ता, आपका जो टाइम है वो बच जाता है और आपको ज्यादा समय मिल जाता है एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट में। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आपको जब भी जिम जाएं तो किसी की बातों में आपको नहीं आना है। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं दूसरा पॉइंट। मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो जिम जाते हैं केवल दूसरों के कहने पे या दूसरों को देख करके। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए दूसरों को देख करके या दूसरों को कहने पे जाएंगे तो आप बिल्कुल भी जिम नहीं कर पाएंगे और मात्र केवल 1 महीने में या 15 दिन में आप जिम छोड़ के चले आएंगे और अपना जो आपने वहां मनी दिया है फीस के रूप में वो भी बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप किसी की बातों में ना आए जब तक कि आपके अंदर मन से खुद की आवाज ना आए कि हाँ मुझे जिम ज्वाइन करना है, मुझे अपनी बॉडी बनानी है। तब तक कि आप बिल्कुल भी जिम ज्वाइन ना करिए। जिस दिन आपके अंदर से आवाज आए कि हाँ मुझे अब जिम ज्वाइन करना चाहिए और मैं जिम ज्वाइन करके एक अच्छी बॉडी बना सकता हूं, तब आप जिम ज्वाइन करिए। सबसे बेस्ट तरीका आपके लिए होगा, सबसे बढ़िया होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो भी कुछ इसी से रिलेटेड है कि आप अगर मान लीजिए जिम जाते हैं और वहां पर जाकर के मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो अभी बिगिनर होते हैं और जिम जाकर के दूसरों की बातों में आकर के हैवी वेट उठा लेते हैं। जी हाँ, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा हैवी वेट उठा लेते हैं, जिससे कि वो इंजर्ड हो जाते हैं। तो प्लीज दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ना करिए, क्योंकि आप लोग भी बहुत से ऐसे लोग जो अभी वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों ने भी कभी ना कभी किया होगा, खुद मैंने भी किया है, लेकिन मैंने उससे ये सीखा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरे लोग जो होते हैं वो आपसे जलते हैं, इसलिए आपको वो आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। आप जब भी मान लीजिए आप अभी बिगनर हैं और आप जब भी जाएं जिम, तो शुरुआत में आप लाइट वेट उठाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी के कहने पर या अगर मान लीजिए कोई आपसे चैलेंज लगाता है तो उस चैलेंज में आकर के या शर्त में आकर के आप हैवी वेट ना उठाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा कर लेते हो तो ये सबसे बड़ी आपकी बेवकूफी होगी, आप अपने आप को इंजर्ड कर लोगे। क्योंकि बहुत से लोग क्या होता है कि हमारे जोश में उठा लेते हैं ज्यादा वेट अपने क्या कहते हैं कैपेसिटी से, और उसके बाद वो तुरंत इंजर्ड हो जाते हैं, उसके बाद वो जिम जाना ही छोड़ देते हैं, दोबारा वो जिम कर भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल भी ये गलती ना करिएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं अपने
चौथे पॉइंट पे, जो हमारा चौथा पॉइंट ये है कि अगर आप अभी बिगिनर हो, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि मैं जिम जाना चाहता हूँ। बहुत से लोगों के मन में ये होता है कि मैं जिम ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं पाउडर ले सकता हूँ। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि आप पाउडर लीजिए, ठीक है, लेकिन अपने दूसरे दोस्तों के कहने पर नहीं या जिम मेट के कहने पर बिल्कुल भी नहीं। आप अगर पाउडर लेना चाहते हैं तो या तो आप कोई प्रोफेशनल जिम ट्रेनर हो, उससे आप कंसल्ट करके कौन सा अच्छा प्रोटीन पाउडर है वो लें, या फिर आप किसी डॉक्टर से सलाह लेकर के आप प्रोटीन पाउडर ले लें, ठीक है, ये आपके लिए बेटर होगा। लेकिन अगर आपने अपने दोस्तों के कहने पर अगर आपने प्रोटीन पाउडर ले लिया या किसी प्रकार का स्टेरॉइड ले लिया, कैप्सूल ले लिया, तो आप उसके जिम्मेदार होगे, आप उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत में आ सकते हो, क्योंकि मार्केट में बहुत से ऐसे लोकल भी प्रोटीन पाउडर अवेलेबल हैं जो आपके सेहत के लिए बिल्कुल हानिकारक हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पांचवें पॉइंट पे। जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो ये है कि अगर आप जिम जा रहे हैं तो आपको 1 लीटर की पानी की बॉटल आपको रोजाना ले जानी है, फिर चाहे आप मॉर्निंग में जिम जाते हो, इवनिंग में जाते हो या नाइट में जाते हो, ठीक है, आपको 1 लीटर की बॉटल ले जानी है पानी की। और उस पानी में आप चाहो तो सादा पानी भी ले जा सकते हो, या फिर आप चाहो तो उसमें ग्लूकॉन डी मिला करके भी ले जा सकते हो, या आप उसमें नींबू वगैरह भी मिला करके ले जा सकते हो। और उस पानी को आपको 1 घंटे के अंदर आपको पीना है, ठीक है, वो भी थोड़ा रुक रुक करके बीच बीच में। ये नहीं कि आपने सीधे लगाया और पूरा पानी साफ कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बीच बीच में रुक रुक करके आपको वो पानी पीना है, आपको ऐसा बिल्कुल करना है। इससे होगा क्या कि आपकी जो बॉडी होती है, जैसे कि आप जानते हो जब आप वर्कआउट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, उस समय आपकी जो बॉडी होती है बहुत ज्यादा पसीना रिलीज करती है, तो उसको फिर उसको पानी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए आप जरूर ले जाएं, क्योंकि आप जब भी मान लीजिए कसरत करते हैं तो आपका जो गला होता है वो सूखने लगता है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप जरूर ले जाएं पानी की बॉटल, आज से बिल्कुल आप जरूर ले जाएं। अगर आप नहीं ले जाते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर ले जाइए पानी की बॉटल, और उसमें पानी जो ले जाएं एकदम स्वच्छ पानी होना चाहिए, जैसा मैंने बताया ग्लूकॉन डी मिला लें, या फिर आप उसमें नींबू पानी भी मिला सकते हैं, और उसको आप बीच बीच में जरूर पिए, आपके लिए बहुत ही बढ़िया और लाभदायक होगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने छठे पॉइंट पे। जो हमारा छठा पॉइंट है वो ये है कि अगर मान लीजिए आप बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं, तो उस समय आपको लाइट वेट उठाना चाहिए, हैवी वेट बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये गलती करते हैं कि वो बहुत दुबले पतले होते हैं और जाकर के जिम में हैवी वेट उठा लेते हैं, जिससे कि वो अपने आप को इंजर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी। जिम जाने से पहले की ये बातें हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं उस समय आप क्या करें, जब भी जिम जाएं लाइट वेट उठाएं, ठीक है। जब आपकी जो बॉडी है वो इतनी सक्षम हो जाए कि हैवी वेट उठाने लायक हो जाए, तब आप हैवी वेट उठा सकते हैं, अन्यथा अगर आप जब भी दुबले पतले हैं तो उस समय आप लाइट वेट उठाएं। अगर मान लीजिए आप हेल्दी हैं, काफी अच्छे खासे हेल्दी हैं, तो उस समय आप हैवी वेट का उठा सकते हैं और हैवी वेट से अपनी बॉडी बना सकते हैं, हैवी वेट लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने सातवें पॉइंट पे। हमारा जो सातवां पॉइंट है वो ये है कि अगर मान लीजिए आप जिम गए हैं, ठीक है, और उस समय आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें आपका फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए, यानी एकाग्रता बहुत ही जरूरी है बॉडी बनाने के लिए, ठीक है। बहुत से लोगों को मैं जिम में देखता हूं कि वो जिम तो चले आते हैं लेकिन उनके दिमाग में कहीं और की बातें चल रही होती हैं, कहीं कहीं और की बातें चल रही होती हैं, या कोई अन्य प्रकार की उनके माइंड में टेंशन चल रही होती है, जिसकी वजह से वो अपना सारा कंसंट्रेशन एक्सरसाइज पे नहीं दे पाते हैं, जिससे कि उनकी मसल ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसलिए जब भी आप जिम जाएं उस समय बिल्कुल आपका जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल आपका उसी एक्सरसाइज पे होना चाहिए जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, यानी अगर आप बाइसेप्स मान लीजिए बना रहे हैं तो आपका जो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है, वो आपकी इसी एक्सरसाइज पे होना चाहिए, पूरा बाइसेप्स, तभी आप देखिएगा
कि आपकी जो बाइसेप बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगी और आपकी अच्छी बॉडी बनेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कंसंट्रेशन सबसे मस्ट है एक्सरसाइज करने के दौरान। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने आठवें पॉइंट की ओर। आठवां पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि अगर मान लीजिए आप अभी बिल्कुल बिगिनर हैं, यानी आप कभी भी जिम नहीं गए हैं, या आप मान लीजिए बिल्कुल अभी आपने जिम ज्वाइन किया है, और जिम में जैसा कि आप जानते हो कि वहां पे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं एक्सरसाइज करने की, ठीक है, और आपका मन भी करता है, जब आप जिम जाते हो तो आपका मन भी करता है कि मैं भी इन मशीनों में एक्सरसाइज करूं और अपनी बॉडी बनाऊं। ठीक है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि किस प्रकार से आपको इस मशीन को ऑपरेट करना है, या इस मशीन में कितना आपको वेट लगा करके एक्सरसाइज करनी है शुरुआती दौर में, तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, खुद से बिल्कुल भी ऐसा ना करें। आप एक चीज कर सकते हैं, या तो आप अपने जिम ट्रेनर से पूछिए, या फिर आप कोई प्रोफेशनल जिम जो करता हो, यानी कि जो काफी समय से जिम कर रहा हो, मतलब 2-3 साल पुराना हो या 5 साल पुराना, उससे आप कंसल्ट करके उस मशीन पर बैठें और एक्सरसाइज करें। ठीक है, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, कोई नहीं बताएगा आपको, और इन बातों को आप जब भी जाना जिम तो उससे पहले ध्यान कर लेना, क्योंकि बहुत से मोस्टली लोग होते हैं जो वहां पर जाकर के गलतियां करते हैं। बिल्कुल मैं सत्य बता रहा हूँ, ये मैं रियल बताता हूँ, मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं बताता हूँ जो आपको खराब लगे या फिर आपको पहले से पता हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नवे पॉइंट की ओर। ठीक है, हमारा जो नवा पॉइंट है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप जिम जाएं तो उसके आधे घंटे पहले आपको डाइट लेनी है। जी हाँ, जिम जाने से पहले आधे घंटे पहले आपको डाइट लेनी है, और जिम से वापस आने के बाद भी आपको आधे घंटे बाद डाइट लेनी है। ऐसा आपको चाहे आपका मॉर्निंग में जिम जाना होता है तब आपको करना है, इवनिंग में अगर आप जाते हैं तब आपको करना है, और अगर नाइट में जाते हैं तब भी आपको ये करना है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो अगर जिम जाते हैं तो खाली पेट ही चले जाते हैं, ये बहुत गलत है। बिल्कुल भी ऐसा आपको नहीं करना है, आप जिम जाने से पहले प्रॉपर डाइट लें, ठीक है, और जिम जाने के बाद आपको जो डाइट बताई गई है वो आप डाइट लें, उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने दसवें पॉइंट की ओर। हमारा जो दसवां पॉइंट है वो ये है कि मान लीजिए आप जिम जाते हैं और वहां पर एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको एक्सरसाइज करने के दौरान एक गोल सेट करना है। गोल क्या सेट करना है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। गोल ये सेट करना है कि अगर आप मान लीजिए बाइसेप्स बनाने की एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, उस समय आपको एक माइंड में गोल सेट कर लेना है कि आपको कितने सेट मतलब कि इसमें लेने हैं और कितने रेपिटेशंस आपको इसमें निकालनी है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझा देता हूं। मान लीजिए अगर आप लाइट वेट ले करके मान लीजिए कर रहे हैं बाइसेप्स एक्सरसाइज कर रहे हैं लाइट वेट से, तो आपको कम से कम 4 से 5 सेट लेने हैं। ठीक है, हर एक्सरसाइज में अगर आप मान लीजिए लाइट वेट से कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जरूरी नहीं बाइसेप्स की, कोई भी लाइट वेट से अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस समय आपको क्या करना है कि 4 से 5 सेट आपको लाइट वेट में लेने हैं, और आपको रेपिटेशंस कितनी निकालनी है वो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया लाइट वेट होता है यानी 2 किलो का वेट है या 5 किलो का वेट है, तो उस समय आपको रेपिटेशंस कम से कम निकालनी है 15 से 20। जी हाँ, और अगर ऊपर बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम हैवी वेट पे। अगर मान लीजिए आप हैवी वेट से कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस समय आपको कितनी सेट लेने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो उस समय आपको कम से कम मिनिमम 3 से 4 सेट तो लेने ही लेने हैं। ठीक है, 3 से 4 सेट लेने हैं, और आपको रेपिटेशंस कितनी लेनी है वो मैं आपको बताता हूं। 12 से 15 के बीच आपको रेपिटेशंस लेनी है, या अगर मान लीजिए आप और कम भी करना चाहते हैं तो 10 से 12 भी रेपिटेशंस ले सकते हैं, लेकिन 10 से नीचे रेपिटेशन ना करें। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया लाइट वेट की रेपिटेशन बता दी और हैवी वेट की रेपिटेशन बता दी, और मैंने ये भी बता दिया कि आपको अपने माइंड में एक गोल सेट करना चाहिए हर एक्सरसाइज को करने से पहले। ठीक, अब हम आते हैं अपने 11वें पॉइंट पे। जो हमारा 11वां पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी हाँ, आप इसको थोड़ा सा समझिएगा। जो हमारा 11वां पॉइंट है वो पॉइंट है ब्रीथिंग कंट्रोल पॉइंट, यानी कि
आप जब भी कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय आपको अपने सांसों पे कंट्रोल रखना है, कंट्रोल करना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिम जाते हैं और वो अपनी ब्रीथ पे कंट्रोल नहीं करते हैं, अपनी सांस पे नहीं करते हैं कंट्रोल, और वो मतलब कि गलत सलत ब्रीथ लेकर के एक्सरसाइज करते हैं जिससे कि वो बहुत जल्दी थक जाते हैं और उससे उनके शरीर में कोई पंपिंग नहीं आती है। अगर आपकी ब्रीथ अच्छी नहीं होगी, अगर आपका ब्रीथ पे कंट्रोल नहीं होगा तो आपका शरीर पंप नहीं करेगा, आपको कोई भी आपके शरीर में ग्रोथ नहीं दिखेगी। इसलिए ब्रीथ पे कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है, ये आप लोग जरूर ध्यान में रखिए। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि ब्रीथ पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि आपको किस प्रकार से ब्रीथ पे कंट्रोल करना है। तो मान लीजिए जब आप कोई हैवी वेट उठाते हैं, ठीक है, आप जब भी मान लीजिए कोई हैवी वेट उठाते हैं तो उस समय आपको ब्रीथ छोड़नी है। यानी मान लीजिए आपने ये उठाया तो आपको इस समय ब्रीथ छोड़ देनी है। जब आप नीचे ले जाएंगे तो आपको ब्रीथ लेनी है, ठीक है। ये आपको प्रोसेस करना है हर एक एक्सरसाइज को करने के दौरान, ठीक है। आपको ब्रीथ पे अपनी कंट्रोल रखना है जिससे कि आपका जो शरीर है वो अच्छे से पंप हो सकेगा और आपकी मसल्स ग्रोथ कर सकेगी। तो दोस्तों ये थी कुछ 11 बातें जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, और जो मैंने आपको यहाँ 11 बातें बताई हैं वो आपको कोई भी नहीं बताएगा इस पूरे YouTube पे, आप जरूर जा करके देख लीजिए। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इन 11 ही बातों को ध्यान में रख करके और इनको अमल करते हो तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कर दो और मुझे आप बताओ कि मेरी दी गई जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके, और इस वीडियो को हो सके तो जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हो शेयर करो, व्हाट्सएप पे करो और आप यूट्यूब पे करो, जहां भी हो सके आप से शेयर करो, क्योंकि बहुत से लोगों को ये बातें नहीं पता हैं, उनका भी कुछ हेल्प होना चाहिए, सहायता होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।